कैसे हो आप? वेलकम बैक टू अनस्क्रैम्बल। आपको पता है आज की इस वीडियो की खास बात है कि हम एक ही एल्गोरिथम यूज करते हुए 6 डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे 3x3 के क्यूब में। और ये जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, ये थर्ड मतलब जब 3x3 के क्यूब सॉल्व करते हैं तो थर्ड लेयर में ऑपोजिट एजेस को स्वैप करने के काम आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाउ डू वी डू इट। ऑल राइट क्यूबर्स, तो इस पैटर्न वीडियो में हम जो एक एल्गोरिदम यूज़ करते हुए जो 6 पैटर्न्स बना रहे हैं उनमें से 3 ये आपके सामने बने हुए रखे हैं। और जो एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा और ईजी है, तो मैं आपको पहले वो एल्गोरिदम बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, क्यूब को पकड़ के हमें मिडिल लेयर को 2 बार घुमाना है, तो M2, फिर अपर लेयर को एक बार U, फिर मिडिल लेयर को 2 बार M2, फिर अपर लेयर को 2 बार U2, फिर मिडिल लेयर को 2 बार M2, फिर अपर लेयर को एक बार U, एंड एक बार लास्ट टाइम मिडिल लेयर को 2 बार, सो M2। ठीक है, ये एल्गोरिदम बेसिकली आपकी एजेस को एक्सचेंज कर देता है। तो देखिए, ग्रीन की जगह ब्लू आ गया, ब्लू की जगह ग्रीन आ गया, और सेम ऑरेंज के साथ, मतलब ऑरेंज की जगह रेड आ गया और रेड की जगह ऑरेंज आ गया। ठीक है, एंड अब इसी एल्गोरिदम को अगर आप वापस लगा देंगे तो ये क्यूब आपका सॉल्व स्टेट में पहुंच जाएगा। ये देखिए, M2, U, M2, U2, M2, U, and M2, that's it। ये आपका क्यूब वापस से सॉल्व स्टेट में पहुंच गया। अब जो हम पहला पैटर्न बनाएंगे वो बनाएंगे U। तो इसको बनाने के लिए मेरे को इस क्यूब में पहले 4 डॉट पैटर्न चाहिए, और वो पैटर्न मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, अब वो देख लेंगे तो ये पैटर्न बनाना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्यूब में 4 डॉट पैटर्न बना दिया है। ये देखिए, 4 लेयर पे डॉट हैं और 2 लेयर आपकी प्लेन है। ठीक है, तो अब एक प्लेन लेयर को अपनी टॉप लेयर में रख के हम सेम एल्गोरिदम लगाएंगे, M2, U, M2, U2, M2, U, एंड एक बार लास्ट टाइम M2, दैट्स इट। और इस तरीके से हमारा U बन जाता है, सी। और इस U से ही हम T बना देंगे, जिसके लिए हमें बस लास्ट लेयर को 2 बार घुमाना है, 1, 2, दैट्स इट। और इस तरह से इतना इजीली हमारा टी भी बन जाता है ना, कितना इंटरेस्टिंग। और अब हम सेम एल्गोरिदम से यहीं से एक और पैटर्न बनाएंगे, वो देखते हैं क्या बनता है। बट आई कैन जस्ट गिव यू अ हिंट कि वो, आई मीन, इट्स टाइम टू हैव सम सैंडविच। जस्ट किडिंग गाइस, खाने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। सो लेट्स सी वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसको वापस कर देंगे, मतलब यू शेप में ले आएंगे। तो अब ये उल्टा यू हो गया। ठीक है, अब इस दूसरी लेयर को फेस करते हुए हम सेम एल्गोरिदम लगाएंगे, M2, U, M2, U2, M2, U, एंड लास्ट टाइम M2, एंड ये हमारा फिलिंग के साथ सैंडविच बनके तैयार है ना, कितना यम। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि एक ही एल्गोरिदम से हम इतने सारे पैटर्न्स बना लेते हैं, है ना। और अब इस पैटर्न से भी वापस जाने के लिए हमें सेम एल्गोरिदम यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कोई भी एक प्लेन सरफेस ले लेंगे और फिर सेम एल्गोरिदम लगाएंगे, M2, U, M2, U2, M2, U, एंड लास्ट टाइम M2। तो ये वापस अपनी यू शेप में आ जाता है, और अब फिर से वही लगा देंगे, M2, U, M2, U2, M2, U, and M2। अब ये हमारा 4 डॉट पैटर्न आ गया, और यहाँ पे हम उसी तरह से वापस चले जाएंगे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने इस क्यूब को वापस से सॉल्व स्टेट में ले आया है, क्योंकि हम वही एल्गोरिदम 2 बार यूज करेंगे और उससे हमारे 3 पैटर्न बन जाएंगे। तो देखिए कैसे बनते हैं, हम वही M2, U, M2, U2, M2, U, एंड एक बार लास्ट टाइम M2। तो ये करने से हमारी एजेस चेंज हो गई, और हम जिस लेयर, मतलब टॉप लेयर पे एजेस चेंज हो गई, तो हम इसको एकदम डाउन लेयर में ले जाएंगे एंड सेम एल्गोरिदम दोबारा लगाएंगे। सो M2, U, M2, U2, M2, U, एंड एक बार लास्ट टाइम M2, एंड इससे हमारा ये H बन जाता है, सी। और अब H बनने के बाद अगर हम अपनी डाउन लेयर को, बॉटम लेयर को 2 बार घुमाते हैं तो हमारा Y बन जाता है, और इसको वापस ठीक करने के बाद, 2 बार घुमाने के बाद अगर हम मिडिल लेयर को 2 बार घुमाते हैं तो हमारा सेम कलर का क्रॉस बन जाता है ना, इंटरेस्टिंग। पर ये 4 लेयर पे ही बनता है,
सेम कलर का क्रॉस 6 लेयर्स पे भी बन सकता है, पर वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी. पर फिलहाल मैं आपको जैसा कि बता रही हूँ कि एक ही एल्गोरिदम से हम क्या क्या पैटर्न बना सकते हैं, तो इसलिए ये सेम एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए सिर्फ 2 बार, मतलब 2 बार हमने उस एल्गोरिदम को यूज़ किया और हमने ये 3 पैटर्न बना लिए, है ना, अमेजिंग. तो अब इसको वापस करने के लिए सेम चीज़ करनी है हमें. M2U एंड लास्ट टाइम M2 एंड ये अपना आ गए एजेस. अब यहाँ से आप वापस क्लिक कर सकते हैं. ऑलराइट, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और अब आपने काफी सारे पैटर्न्स भी बनाना सीख लिए है. तो जाइए अब अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कीजिए एंड उनको जरूर से बोलेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें. और अपने जो सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, उन्हें कमेंट में जरूर लिखें क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. ठीक है, सी या.